चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कारक, या फिर हम इसको कर्म बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में OBJ राइट करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, चलिए पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वह शब्द होता है, इज द वन। ऑब्जेक्ट एक ऐसा शब्द होता है विच जो गेट अफेक्टेड, प्रभावित होता है बाय द एक्शन, एक्शन मतलब कार्य के द्वारा, आर या द स्टेट मतलब अवस्था के द्वारा, ऑफ द सब्जेक्ट मतलब कर्ता के। कारक वह शब्द होता है जिस पर सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट का प्रभाव पड़ता है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का या फिर अवस्था का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आगे हम एग्जाम्पल से इसको और क्लियर समझेंगे। चलिए पहले इसके प्रकार को देखते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको अप्रत्यक्ष कारक बोलते हैं, या अप्रत्यक्ष कर्म जिस पर सीधे प्रभाव पड़ता है। दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम प्रत्यक्ष कारक बोलते हैं या प्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मोहर राइट्स अ लेटर, मोहन राइट्स मतलब लिखता है, लेटर मतलब पत्र, मोहन एक पत्र लिखता है। इसमें लिखने का कार्य कौन कर रहे हैं, मोहन, इसलिए मोहन हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट। और कौन सा कार्य कर रहे हैं, लिखने का, और जो लिखने का प्रभाव है उसका सीधा प्रभाव किस पर होगा, पत्र पर। कहने का मतलब ये है मोहन किसी पेन को लेंगे, कागज को लेंगे, तब एक पत्र को लिखेंगे, तो लिखने का सीधा प्रभाव लेटर पर गया, इसलिए लेटर हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ लेकिन डायरेक्ट हुआ क्योंकि सीधे प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है। सीता के गाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, सॉन्ग गाने पर। सीता जो गाना गा रही है उसका सीधा प्रभाव क्या होगा, सॉन्ग गीत पर, इसलिए यहाँ पर हमारा सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द प्रिंसिपल गिव हिम अ मेडल, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य गिव दिए ही मतलब उसे मेडल मतलब एक पुरस्कार। जो प्रधानाचार्य थे पहले मेडल को लिए, इसलिए यहाँ पर मेडल हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल पहले मेडल को अपने हाथों में लेंगे तब उस मेडल को हिम उसे देंगे। तो जो प्रिंसिपल मेडल को हाथ में ले रहे हैं, तो जब हाथ में ले रहे हैं तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मेडल, मेडल जो वस्तु है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और उसको लेने के बाद तब हिम उसको सौंप रहे हैं, इसलिए ही में हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीम, हर, देम, ये जब ऑब्जेक्ट में आते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म राइट करते, ही से हीम बन जाता है। दे टीच अस इंग्लिश, वे हमें इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो पहले यहाँ पे दे, वे का सीधा प्रभाव इंग्लिश पर होगा, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट पर, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इस पर सीधे इंग्लिश विषय पर प्रभाव होगा। उसके बाद उस इंग्लिश विषय का प्रभाव हम पर पड़ेगा, तो जो पढ़ाने का प्रभाव है उनके द्वारा उसका सीधा प्रभाव इंग्लिश पे हुआ, इसलिए इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम पर पड़ा इसलिए हम वहाँ पर क्या होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई फादर रोट मी अ लेटर, मेरे पिताजी रोट लिखे, मी मतलब मेरे लिए एक पत्र लिखे। माई फादर, मेरे पिताजी पहले एक पत्र को लिखे, उसके बाद उस पत्र को मुझको दिए। तो जो लिखने का कार्य है पहले लेटर पर पड़ा, इसलिए लेटर हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा, इसलिए मैं क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसे यहाँ पर ही गिव हर अ बुक, वह उसको एक किताब दी, तो पहले उस किताब को अपने हाथों में लेंगे, इसलिए किताब हमारा क्या हो गया, अ बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद उस किताब को उसको देंगे, इसलिए हर क्या हो गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ देने का प्रभाव सीधा, पहले जो कार्य कर रहे हैं उसका सीधा प्रभाव बुक पर पड़ा, इसलिए बुक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और उस बुक का प्रभाव, बुक को पहले लिए उसके बाद उसको दिए, तो पहले बुक पर प्रभाव पड़ा, इसलिए बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही रन्स ऑन द रूफ, वह छत पर दौड़ते हैं। यहाँ पर दौड़ने का प्रभाव किस पर है, छत पर है, इसलिए छत हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और भी कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट एक शब्द का हो सकता है, दो शब्द का हो सकता है, और भी शब्द के हो सकते हैं।
यदि किसी कार्य या अवस्था का प्रभाव सीधे किसी चीज पर पड़ेगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यदि इनडायरेक्ट पड़ेगा तो हम उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं।